Hello everyone, welcome to Abhipsa Education for Excellence. I am Ramesh Nisad and today we are going to study class 11 subject English. Lesson 2, we are not afraid to die if we can all be together. In this video lecture, we will see some important question answers. So let's start. Question number 1, list the steps taken by the captain. Captain ke dwara liye gaye steps ka ek list banana hai. Question 1 hai. To protect the ship when rough weather begin. जब खराब मौसम प्रारंभ हुआ तब उन्होंने ship को protect करने के लिए कौन से कदम उठाए. दूसरा, to check the flooding of the water in the ship. और दूसरा ये है कि जो ship है, जहाज में जो पानी का जो स्तर था वो काफ़ी बढ़ रहा था, उसको रोकने के लिए उन्होंने कौन से कदम उठाए. सो आंसर फर्स्ट है कि खराब मौसम प्रारंभ होने पर उन्होंने शिप को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से कदम उठाए. सो आंसर, ड्यूरिंग देयर वॉयज आउट ऑफ केप टाउन द क्रूमैन बिगिन टू एनकाउंटर द गेल्स एंड 15 मीटर्स हाई वेव्स फ्रॉम सेकेंड डे लास्टिंग वीक्स. यहाँ पे जो वॉयज मीन्स होता है यात्रा, क्रूमैन मीन्स जहाजकर्मी, एनकाउंटर मीन्स होता है सामना करना. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि यात्रा के दौरान जब ये यात्रा कर रहे थे तब वेव्स थी, वेव्स की ऊंचाई थी लगभग 15 मीटर शुरू में, और उस वेव से जो क्रूमैन थे जहाजकर्मी थे वो सामना कर रहे थे. ऑन अ न्यू ईयर्स डे इट चेंज टू वर्स टू स्लो डाउन फ्रॉम द 8 नॉटिकल माइल्स द कैप्टन ड्रॉप्ड द स्टॉर्म चिप. She tied together the heavy mooring rope in a loop across the stern. Then they double-lashed everything to protect wave walker in the gigantic wave storm. Gigantic means होता है विशाल. Wave storm means जो तूफानी लहरें हैं उसे कहते हैं. So इस तरह से जब 1 जनवरी आया, 1 जनवरी, 2 जनवरी, तब उन्होंने क्या किया, एक तरह से उनको एक संकेत मिल जाता है कि वो कैसे और किस तरह से सीप की रक्षा करें, क्योंकि बड़ी विपत्ति आने वाली थी. सो उन्होंने क्या किया कि जितने भी जो वेव वॉकर है, जो जहाज़ का नाम था वेव वॉकर, उन्होंने क्या किया कि चारों तरफ जो रोप है रस्सी के सहारे उन्होंने बांधा, डबल लैस किया, और जो जीप है, जीप मीन्स पाल होता है, उसको उन्होंने नीचे किया ताकि वो जीप जो जहाज़ है, सीप है, उनकी रक्षा कर सके, और हर तरह से उनको एक तरह से सुरक्षा प्रदान करने के लिए उन्होंने डबल लैस किया, और इस तरह से वो अपने सीप को प्रोटेक्ट किए. नेक्स्ट है, टू चेक द फ्लडिंग ऑफ द वाटर इन द सीप. यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो सीप में बढ़ते हुए जल का जो स्तर है उसको रोकने के लिए उन्होंने कौन से कदम उठाए. सो आंसर, आफ्टर द वेव स्टॉर्म वाटर वॉज एंटरिंग फास्ट इन द सीप विद ईच वेव. मीन्स जो बड़ी जो वेव थी, बड़ी वेव की वजह से जो पानी था, पानी का जो स्तर था वो जहाज़ में काफ़ी बढ़ने लगा था, क्योंकि जहाज़ का जो डेस्क था वो टूट गया था. द क्रूमैन लैरी एंड हर्ब वर कंटिन्यूसली पम्पिंग लाइक मैडमैन. मैडमैन मीन्स होता है पागल. और जो दो क्रूमैन थे, लैरी एंड हर्ब, वो पागलों की तरह पानी को बाहर फेंक रहे थे. द कैप्टन टुक द हैमर स्क्रूज एंड वाटर प्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स. सेपरेट हैंड पम्प एंड इलेक्ट्रिक पम्प वर पुट टू वर्क फॉर द ओल्ड वंस दैट फेल्ड टू वर्क. और कैप्टन ने क्या लिया, हैमर, हथौड़ा लिए, स्क्रू लिए, और जो वाटरप्रूफ जो चीज़ें हैं उनको उन्होंने लिया ताकि जो होल्स है उनको वो पूरा कर सके, यानी जो होल है उनको वो बंद कर सके, क्योंकि जो जहाज़ था, जहाज़ में होल बन गए थे, सो उस होल को वो बंद करना चाह रहे थे. और इसके अलावा उन्होंने हैंड पंप लिए एंड इलेक्ट्रिक पम्प भी लिए ताकि वो पानी को जल्दी से जल्दी जहाज़ से खाली कर सके, इसीलिए वो लगे हुए थे. एंड After 36 hours of continuous pumping, they reached the last few centimeters of water. Now they had only to keep pace with the still incoming water. और अंत में फिर लास्ट जो बचा वो सेंटीमीटर ही रहा, और इस तरह से उन्होंने पानी को खाली करने में सफल हो गए. सो इस तरह के स्टेप्स हैं जिन्हें कैप्टन ने अपनाया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ द वॉयजर्स ऑन 4 एंड 5 जनवरी.
यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो वॉयेजर्स थे, जो समुद्री यात्री थे, जो यात्री थे, यात्री की जो मानसिक जो स्थिति थी, कब 4 और 5 जनवरी को उनकी जो मानसिक स्थिति थी वो कैसी थी, उसको डिस्क्राइब करना है, उसका वर्णन करना है। ऑन जनवरी 4, 1976 द वॉयेजर्स वर लेफ्ट विद फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर इन द शिप। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 4 जनवरी 1976 को वॉयेजर जो है वो कुछ ही सेंटीमीटर वाटर छोड़ चुके थे, मींस जो पानी का जो स्तर था वो कम करने में वो सफल हुए थे, क्योंकि जो पानी था वो काफ़ी भर गया था जहाज में। नाउ दे हैड ओनली टू कीप पेस विद द स्टिल इनकमिंग वाटर विद द वेव। नाउ आफ्टर 36 आवर्स ऑफ पम्पिंग वाटर दे गॉट रिपोज, दे एट देयर फर्स्ट मील ऑफ कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स इन ऑलमोस्ट 2 डेज। और यही वो जो समय था 4 जनवरी को कि उन्होंने लगभग 2 दिनों, क्योंकि चूँकि वो लोग लगे हुए थे कि वो जल्द से जल्द जहाज़ का जो पानी है उसको ख़त्म करे, जल्दी से खाली करे और वो जहाज़ जो टूटा हुआ था उसको जल्दी से वो रिपेयर करे। अब जो 4 जनवरी था वही एक समय था कि उन्हें क्या मिला था, कॉर्न बीफ मिला था एंड क्रैकर बिस्किट जो कि मैरी ने ढूंढ निकाला था, सो वो 2 दिनों बाद खाए थे। बट सून ब्लैक क्लाउड्स एंड वाइंड विद 40 नॉटिकल माइल्स वॉज बैक, द सी स्टॉर्म बिकेम मोर एंड मोर फ्यूरियस थ्रू आउट द नाइट। और जो सी स्टॉर्म है वो जितना ज़्यादा हो सके, जैसे जैसे शाम होता गया, जैसे जैसे रात होती गई, वो और ख़तरनाक होती गई। सो इस तरह से वो जो समस्याएँ थी वो ख़त्म नहीं हुई थी। आगे क्या होता है, ऑन जनवरी 5 वॉयेजर्स सिचुएशन बिकेम वर्स बाय डॉन, द कैप्टन वेंट इन टू चीयर अप द चिल्ड्रन, हिज लिटिल सन जोनाथन आस्क्ड, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, वी aren't afraid of dying if we can all be together, you and mummy, you and I, the captain had no words to answer। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो फिफ्थ डे भी जो मौसम था वो ठीक नहीं हुआ था, सो उनके जो बेटे हैं, उनका जो बेटा है जिसका नाम था जोनाथन, वो पूछता है कि डैडी क्या हम मरने वाले हैं, तो वो कहते हैं, वो एक तरह से उनको हिम्मत देते हैं कि नहीं बेटा हम मरने वाले नहीं हैं। तो वो एक टाइटल है जो लेशन का टाइटल है वो दोहराते हैं, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यानी हम मरने से नहीं डरते हैं यदि हम सब साथ में हैं। सो इस तरह से वो कहते हैं। बट ही लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद ऑल हिज माइट, ही टुक ग्रेट स्टेप्स टू प्रोटेक्ट wave walker and keep it scaling. In the evening, the captain sat with his wife Mary holding her hand. More and more water was coming in with the moving ship. Both felt the end was very near. और इस तरह से 5th जनवरी को जो मैरी है और उनके जो हस्बैंड है, यानी जो बिजनेसमैन है, कैप्टन है, वो एक दूसरे का जो हाथ है वो पकड़े हुए बैठे हुए थे, वो सोच रहे थे कि शायद हम बचेंगे या नहीं बचेंगे। इट मीन्स वो एक तरह से काफ़ी परेशान हो चुके थे, उनको लग रहा था कि शायद ही हम बच पाएंगे। और इस तरह से जो मौसम था वो काफ़ी बिगड़ा हुआ था, और मौसम के साथ साथ वो जिस चीज़ को ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो एक द्वीप को ढूंढ रहे थे, वो उनको नहीं मिल पा रहा था। सो इस तरह से ये जो सिचुएशन था बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द शिप्स इन द events as indicated in the 3 sections of the give a subtitle to each section। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस लेशन में आए हुए जो घटनाएँ हैं उन घटनाओं को 3 sections में डिवाइड करना है, और प्रत्येक जो सेक्शन है उन सेक्शन को एक subtitle देना है। सो आंसर है, फर्स्ट सेक्शन, द कैप्टन सेट सेल विथ हिज फैमिली मेम्बर्स ऑन अराउंड द वर्ल्ड वॉयेज टू रिपीट कैप्टन जेम्स कुक्स 200 years earlier। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो कैप्टन जेम्स कुक हैं वो 200 वर्ष पूर्व
COOH के थ्रू पूरे संसार का भ्रमण करना चाह रहे थे. सो इनकी ही वो कॉपी करना चाह रहे थे जो कैप्टन है वो, और वो अपने परिवार के साथ, अपने परिवार मेंबर्स के साथ वो निकले हुए थे जुलाई 1976 में. फॉर लास्ट 16 ईयर्स दे यूटिलाइज्ड ऑल देयर लेजर टाइम शार्पनिंग देयर सी फेयरिंग स्किल्स. दे टेस्टेड फॉर ऑल द रफ वेदर्स देयर प्रोफेशनली बिल्ट बोट वेव वॉकर. स्टार्टिंग इन जुलाई दे अराइव्ड प्लेजेंटली इन केप टाउन इन दिसंबर. यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो प्रोफेशनली एक बोट का निर्माण किए थे, एक जहाज का निर्माण किए थे, और जिसका नाम था वेव वॉकर, और उसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से बनाया गया था ताकि उससे वो सी वोएज कर सके, यानी समुद्री यात्रा वो अच्छे से कर सके. और उसकी लंबाई के बारे में है, जैसे उसकी लंबाई लगभग 23 मीटर लंबाई थी, 30 टन उसका वजन था, और उसका नाम था वेव वॉकर. एंड शुरू का जो पार्ट था वो काफ़ी अच्छे से उन्होंने यात्रा किए, और कहाँ से कहाँ तक यात्रा किए, वो यात्रा किए थे वेस्ट ऑफ साउथ से लेकर के केप टाउन तक. देयर द कैप्टन टुक क्रूमैन फॉर देयर हेल्प टू फेस द वेरी रफ साउथर्न इंडियन ओशन ऑन ईस्ट वॉयज. आगे क्या होता है कि जो कैप्टन है वो जब वेस्ट की ओर जाते हैं तो वेस्ट की ओर जाने के लिए वो दो क्रूमैन को लेकर के जाते हैं. जो दो क्रूमैन यानी जो जहाज कर्मी हैं लैरी एंड हर्ब, उनको वो लेकर के जाते हैं ताकि वो उनकी हेल्प ले सके. नेक्स्ट जो स्टेप है, सेकंड सेक्शन, वो है फ्रॉम द सेकंड डे नेक्स्ट फ्यू वीक्स गैप्स एंड 15 मीटर्स हाई वेव्स हिट वेव वॉकर ऑन न्यू ईयर्स डे वेदर वर्जन. फाइनली द हाई वेव स्टॉर्म ब्रॉक ऑन द शिप मेकिंग वाटर वाटर एवरीवेयर इन द टॉसिंग शिप. इट ब्रोक कैप्टन्स रिब्स एंड टीथ एंड इंजर्ड 7 ईयर्स ओल्ड लिटिल सुजैन. अभी क्या हुआ, सेकेंड सेक्शन में क्या होता है कि जब वो ईस्ट की ओर आगे बढ़ते हैं तब जो वेव्स है वो उठने लगती है. वेव्स की जो हाइट रहती है वो 15 मीटर रहती है. एंड न्यू ईयर के दिन भी बहुत सारी समस्याएं आती है. फाइनली जब जो वेव्स आती है, बहुत बड़ी वेव आती है जो बादल के जैसे दिखती है, क्लाउड के जैसे दिखती है, वो जब वेव आती है और शिप से जब वो टकरा जाती है तब बहुत सारी दिक्कतें आती है. जैसे जो कैप्टन है, कैप्टन जो है वो व्हील से टकरा जाते हैं, उनका सिर में चोट लग जाती है, उनके जो दांत है वो टूट जाते हैं, उनकी जो रिब है, पसली है, वो भी टूट जाती है, और उनकी जो बेटी रहती है वो भी घायल हो जाती है. इट मीन्स उनको भी तकलीफ होती है, उनको भी चोट लगी रहती है. कंटिन्यूस पम्पिंग ऑफ वाटर फॉर 36 आवर्स कुड प्रोटेक्ट द सिंकिंग शिप. Timely repairs and replacement of pumps were done by the captain. For 2 days, they couldn't eat meal. Soon, another storm on January 4 hovered over them in the evening. It worsened throughout the night. The voyagers thought the end was near. He checked and rechecked his calculations. और आगे क्या होता है कि पानी जो है जहाज़ में भर जाता है तो ये जो है लगातार कंटिन्यू पंपिंग करते रहते हैं. जो दो जो क्रूमैन है वो लगे रहते हैं, और ये जो कैप्टन है वो भी लगे रहते हैं, और कैसे भी करके पानी को जल्दी जल्द खाली करते हैं. इसके अलावा जब ये इस काम में लगे रहते हैं तो ये लगभग 2 दिन तक कुछ भी नहीं खाते हैं, और उसके बाद ये कुछ खा पाते हैं. एंड आगे जो है वोयेजर्स है वो काफ़ी भयभीत रहते हैं. इनको लग रहा होता है कि अब शायद इनका आखिरी दिन आ गया है. इट मीन्स ये शायद ही समस्या से निकल पाएंगे, और इस तरह से जो समस्याएं वो आई रहती है. नेक्स्ट जो सेक्शन है, थर्ड सेक्शन, वो ये है. ऑन जनवरी 6 द कैप्टन वोक अप एट 6 PM. द चिल्ड्रन चीयर्ड एंड एम्ब्रेस्ड देयर बेस्ट डैडी द बेस्ट कैप्टन बिकॉज He found the island, Lee Amsterdam. Its boundary said it is like a battleship in the dark. On January 7 morning, all the 28 inhabitants of the island cheered and helped
the Vosges Azure, the volcanic rock with little vegetation was the most beautiful island in the world. Of course, little Susan took 6 minor operations to get rid of the blood clot. And आगे क्या होता है कि 6 जनवरी को उन्हें वो जब जागते हैं जो कैप्टन है उनको जब जगाया जाता है तब उनके जो बच्चे हैं वो काफ़ी खुश हो गए रहते हैं एंड वो चिल्लाते हैं कि वो कहते हैं कि क्या हम आपको हग कर सकते हैं और वो कहते हैं कि आप इस संसार के सबसे बेस्ट फादर हो, आप इस संसार के सबसे बेस्ट कैप्टन हो. क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एक आइसलैंड जो द्वीप है उनको वो खोज लिए रहते हैं जिसका नाम था एम्स्टर्डम एंड वो काफ़ी खुश रहते हैं. और जनवरी 7 जनवरी मॉर्निंग में वो क्या करते हैं, वो मिलते हैं 28 इनहैबिटेंट्स से, यानी जो निवासी रहते हैं वहाँ के, उनसे मिलते हैं और वो लोग उनकी काफ़ी मदद करते हैं. एंड इस तरह से वो क्या होता है कि वो उस चीज़ में, उस ऑपरेशन में सक्सेस हो गए रहते हैं जैसा कि उन्होंने सोचा था. इट मीन्स जैसा कि वो सी वोज करना चाह रहे थे और वो जो समस्या जो आई हुई थी, जितनी भी समस्या आई थी, उन समस्याओं से वो आगे बढ़ गए रहते हैं, यानी समस्या से वो पीछा छुड़ा लिए रहते हैं और इस तरह से वो जो समस्या है वो समाप्त हो गई रहती है. सो इस तरह से ये जो घटनाएँ हैं इन घटनाओं को हम 3 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं. और इस तरह से हमने 3 सेक्शंस कंप्लीट कर लिए हैं और इस तरह से आज की जो क्लास है वो समाप्त हुई. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो लेक्चर वेरी वेल. आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. टिल देन थैंक यू.